हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, आपको बता दें, होमगार्ड जवानों संबंधित सभी तरह की खबरों के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। हाँ जी, होमगार्ड जवानों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगी बस 2 मिनट में। तो आपको बता दें कि होमगार्ड का मानदेय बांटने के पर आया संकट, याद आया 21 साल पुराना आदेश। होमगार्ड जवानों के वेतन को लेकर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश होमगार्ड में इन दिनों नगर सैनिकों को मानदेय बांटने पर संकट खड़ा हो गया है। नगर सैनिकों को मानदेय बांटने के लिए होमगार्ड ने करीब 21 साल पुराने एक आदेश पर सख्ती से पालन करवाना शुरू कर दिया, जिससे दूसरे विभागों में ड्यूटी कर रहे 500 से ज्यादा होमगार्ड जवानों को मानदेय भुगतान की समस्या खड़ी हो गई। विभाग जहां होमगार्ड सैनिकों की सेवा लौटाने जैसे निर्णय ले रहे हैं, तो वहीं होमगार्ड के अधिकारी अपने जवानों को मानदेय के लिए बजट की सरकार से मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक होमगार्ड जवानों के वेतन को लेकर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया। भोपाल सहित जिला मुख्यालय पर नगर सैनिकों का 1 या 2 महीने तक वेतन लंबित है। नगर सैनिकों को कभी 10 दिन तो कभी 15 दिन मानदेय राशि दे दी जाती है। बजट नहीं आने से समस्या खड़ी हुई है। भोपाल में ही अभी अक्टूबर का मानदेय नगर सैनिकों को नहीं मिला। बजट की कमी के चलते होमगार्ड मुख्यालय ने अपने उपनगर सैनिकों के मानदेय की समस्या दूर करने का प्रयास किया, जो दूसरे विभाग के कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि उन नगर सैनिकों का मानदेय संबंधित विभागों द्वारा देने का आदेश आज का नहीं बल्कि 1998 का है। होमगार्ड में अभी तक इसका पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा। अब जब होमगार्ड मानदेय बांटने के लाले पड़े, तो नगर सेना के भोपाल मुख्यालय के उक्त आदेश पर सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए, ताकि होमगार्ड सैनिकों को समर्पण मानदेय वितरित किया जा सके। दूसरे विभागों में सख्ती पर हड़कंप। बताया जाता है कि होमगार्ड सैनिकों की सेवाएं आमतौर से कलेक्टर कार्यालय के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, SDM कार्यालय से दूसरे विभाग में आबकारी, जिला परिवहन कार्यालय, खनिज एवं अन्य दफ्तरों में दी जाती है। होमगार्ड मुख्यालय के आदेश के जिलों में पालन करने का निर्देश पहुंचा, तो कुछ जिलों में संबंधित विभागों के नगर सैनिकों का मानदेय अपने यहाँ से देने में टालमटोल रवैया दिखाते हुए उनकी सेवाएं लौटाने जैसे निर्णय लेना शुरू कर दिए। इससे होमगार्ड की जिला इकाइयों में हड़कंप की स्थिति बन गई। भोपाल होमगार्ड की संभागीय कमांडेंट उषा डामोर ने स्वीकार किया कि नगर सैनिकों का अभी अक्टूबर का मानदेय लंबित है, जिसका बजट आया है। जल्द ही नगर सैनिकों को इसका वितरण शुरू हो जाएगा। होमगार्ड जिस विभाग के कार्यालय में ड्यूटी करते हैं, वहीं उनका मानदेय दिया जाता है। ये आज आदेश नहीं है। विभाग होमगार्ड की मानदेय राशि देते हैं और उसे होमगार्ड अपने खाते में जमा करता है। इससे जरूरत के हिसाब से होमगार्ड सरकार से लेता है। अभी नगर सैनिकों का मानदेय को लेकर बजट की कमी, इस कारण विभाग को मानदेय देने के आदेश का पालन करने को कहा गया। अशोक दोहरे, विशेषक महानिदेशक होमगार्ड। तो मेरी दी जानकारी संतुष्ट, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करके जाएं।